हेलो एवरीवन दिस इज कुसुम वेलकम टू ऑल टू अनुष्का अकेडमी आई ट्रस्ट आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छा लगा है बहुत दो दिन बाद कुछ प्रॉब्लम थी उसके बाद वापस से आपको आपके साथ में मिली हूं तो चलिए वापस से आज की जो शुरुआत है वो स्टार्ट करते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स आ गए हैं यस yes, प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग राजचंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग गायत्री जी गुड मॉर्निंग थॉमसन जी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल चलिए यू लेट स्टार्ट एड टूडे क्लास विद विदाउट नाइस थॉट आपका जो मॉर्निंग मोटिवेशन जो थॉट है उसके साथ में अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज का थॉट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और एक्चुअली ये थॉट स्पेशली स्टूडेंट्स की उस लाइफ के लिए है पर्टिकुलर जहां हम बहुत जल्दी थक जाते हैं मतलब आप जब कर रहे हैं ये जो थॉट है इसका अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड जाते हैं तो मिन्स की अगर आप तो उड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए आप चल नहीं सकते हैं तो आप कम से कम रह गिए बट एटलीस्ट यू हैव टू डू समथिंग ये जो जर्नी है वेरी गुड मॉर्निंग अविकेश जी वेरी गुड मॉर्निंग धमेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आ, ओके अविकांश जी बिहार से चलिए नाइस मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो आप मेंशन करिए और आपकी प्लीज पी जरूर मेंशन करिएगा लास्ट फ्यू डेज अपनी क्लास लग रहे चल रही है काफी पॉजिटिव जो है हमारा का अप्रोच आ रही है और काफी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज अगर आप लोग इतने अच्छे से सेटिस्फाइड हैं इतने सारे स्टेट्स हमारे साथ में जुड़ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि टू ट्वेंटी के अंदर जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके राइट तो चलिए उसी थॉट थॉट के के साथ के के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि दो दिन से हालांकि आपको सर बहुत से पढ़ा रहे थे आज वापस अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है राइट तो आज का जो थॉट है वो है कि आपको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं जब हम लोग एग्जाम कुछ देते हैं तो हम लोग बोलते नहीं ये हमसे नहीं होगा फिर दो दिन हम छूट जाते हैं फिर वापस से हम भागना शुरू करते हैं, हैं उसको तो हमें इतना आता है हमें नहीं आता तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमेशा अपनी लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंसी रखिए एक जो एक जर्नी है उसको हमेशा जो है कंटिन्यू रखिए कभी भी रुके नहीं अगर आप पढ़ाई करते हैं अगर आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप नहीं पढ़ पाते हैं एक रेगुलरटी नहीं बन पा रही है आपके

राइट right? तो चलिए इस थॉट के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ में कि नहीं हम नहीं रुकेंगे हम अगर पांच घंटे नहीं पढ़ेंगे तो हम एक घंटा पढ़ेंगे और कुछ समय की क्लास मॉर्निंग में अटेंड करेंगे राइट right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज थॉट के साथ में अपने आज के आ, देखते हैं कि आपका हिस्ट्री क्या था चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ये आपका आज की जो हिस्ट्री है काफ़ी अच्छी है आज जो है हमारी जो दादा भाई नोर जी हैं उनका दिवस भी है क्योंकि उस आज के दिन जो है उनका एक जन्मदिन हुआ था तो इसलिए हम उसको एक राष्ट्रीय दिवस के बारे में भी जानते हैं दादा भाई नौरा जी के बारे में जो है ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो हमारी जो नेशनल जो मूवमेंट था उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल इनका था और जैसे हमारी जो कांग्रेस जो थी उस टाइम पे उसके अंदर जैसे हमारी छह में जो आपके दो भागों में डिवाइड हो गई थी गरम दल और नरम दल तो नरम दल जो थे उसके अंदर जो लिबरल पार्टी के अंदर ये लीड किया था तो हालांकि इनकी बहुत सारी चीजें हैं जो थे मतलब एक एजुकेशन के अंदर भी थे समाज सेवक भी थे हमारे बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी थे और हमारी जो लड़ाई थी देश के लिए उसके अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था तो उन्हीं के याद में जो है हम ये दिवस मनाते हैं अपना दादा भाई नौरोजी दिवस राइट तो उसके साथ में कुछ और भी दिवस है जो आपके इंपॉर्टेंट डेज आपके हैं वो है आपके मराठा शासक शिवाजी तथा मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी तो जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वेरी गुड मॉर्निंग याशिका जी उत्तम जी वेरी गुड मॉर्निंग काफी स्टूडेंट्स आ, आ गए हैं वेरी नाइस टू तो सी यू ऑल थैंक यू सो मच राइट तो ये जो है आपके पुरंदर की संधि हुई थी तो पुरंदर की सीधी आपके हिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो है इसका मैटर रखता है तो वो आप हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेगा राइट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नेक्स्ट है आपका 1882 महान अमरीकी आविष्कारक जो थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा एडिसन जी को हम सब बहुत अच्छे से मानते हैं कि उन्होंने बल्ब का जो है नौकरी किया था का पहली बार न्यूयॉर्क के स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया था एडिसन 1869 में बल्ब का भी आविष्कार किया था तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले एक टाइम में बहुत बार जो है आपके आता था एक सिंपल उसके अंदर की बल्ब का आविष्कार किसने किया था मतलब जो आविष्कार वाले जो क्वेश्चन है वो काफी आते थे आपके अभी भी आ रहे हैं लेकिन पहले बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते थे बट पर से होना चाहिए, राइट 1972 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था फिर 1998 में है सोवियत संघ के रडार स्टेशन से इसको अंडर वन को लातविया में बंद किया गया था राइट तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस ट्रीप फोर्थ ऑफ सेप्टेंबर राइट चलिए नेक्स्ट चलते अपने uh, ये है अपने जो क्विक रिव्यू जो है जो अपनी जो लास्ट जो क्लास में किया था प्लस जो कुछ एडिशन जो था लास्ट क्लास में नहीं किया था सी कि कल का जो था कि क्विक रिव्यू की किस टाइप के जो क्वेश्चन आपके वालाइनर में आ सकते हैं और विद थोड़ा सा डिटेल फर्स्ट आपका किस देश के द्वारा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तक जो है पांच सौ परियोजनाओं पर एक लाख Uh, 1.22 लाख जो है करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है ताकि भारत को संबंधित क्षेत्र में आपने देखिए ये जो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड जो है राइट right? अच्छा ये जो हुआ है तो ये योजना जो बनी है कि 500 परियोजनाएं आपके किस प्रोजेक्ट के अंदर बनी गई हैं तो ये पर्टिकुलर आपके कोल इंडिया लिमिटेड के लिए गई है कि हमारा ये है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हर चीज में जो है आ, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि आपका हर चीज में हमें आगे आना है आत्मनिर्भर बनना है तो ये जो हमारी जो आत्मनिर्भरता है कि हमें हर चीज के अंदर जो है एक हर क्षेत्र के अंदर हमें आत्मनिर्भरता करनी है हमें डिपेंडेंसी नहीं करनी है तो ये चीज क्या है तो हम इसके अंदर है कि आपके जो कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसके अंदर

पे लिमिटेड जो है आपको ये भी आंसर कि आपका है क्या तो इसका जो हेड क्वार्टर है जो आपके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वो है आपके विशाखापट्टनम में राइट तो वो भी हम पता अच्छे चाहिए कि उसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है तो ये आपके हेमंत खति जो है, वो उसकी हैं वो उसके लिए सीएमडी बने हैं नेक्स्ट है आपका एनपीसी शब्द में बी का अर्थ क्या है तो ये है आपका बिल्डिंग आई आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है और कल के क्लास में पढ़ने सर ने आपको बहुत डिटेल में इसका बताया था यस yes, ये जो आपके जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बिल्डिंग uh, उसके लिए है तो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन मैं लिखा है एक्चुअली ये भी इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपके फुल फॉर्म नहीं आती है आपको एक फुल फॉर्म का एक बीच का वर्ड पिक करके उठा लिया कि ये किसके लिए रिलेटेड है राइट right? तो ये किसके लिए है तो आपके जो सिविल सर्वेंट्स है उनके uh, जो आगे करियर के लिए उसकी बिल्डिंग के लिए है कि कैसे उनको हमें आगे लगा बढ़ाना है तो ये उनके लिए Next है आपका संबंधित है तो ये है आपके सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन या कह सकते हैं कलेक्टिवली सिक्योरिटी जो है ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये है क्या तो एक्चुअली ये क्या है आपके कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं Collective Security Fittip Organization, right? तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि हम कलेक्टिवली जो सिक्योरिटी कर रहे हैं तो कलेक्टिवली तो जो जो सिक्योरिटी जो जो तो के लिए ग्रुप बना रखा है आपके छह आपके टोटल कितने अंदर छह मेंबर्स हैं और एक कुछ इसमें हेडक्वार्टर तो दो तीन चीजें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए कि जब हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो तीन चार चीजें जो उसको है उसको बेसिकली आपको याद रखनी है सबसे पहला कि उसकी फुल

उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है राइट और ये है आपका कजाकिस्तान राइट तो ये जितने भी जो आपके रशिया के जो आपके नॉर्थ है तो उनसे रिलेटेड है ये छह है जिनकी सिक्योरिटी का है और इसका जो है वो भी आपके रशिया में है किस रिलेटेड है तो ये जो छह जो आपकी कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है राइट चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मतलब एक और चीज मिलिए अगर है क्या तो ये भी देख लीजिए ये एक मिलिट्री एक्साइज अलायंस है राइट नेक्स्ट है आपके भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्टार आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है इस आकाश गंगा का नाम क्या है लास्ट थ्री क्लास से ये क्वेश्चन जो है बार 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 रिपीट हो रहा है राइट तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो आप समझ लीजिए कि वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है राइट तो ये जो है आपका इसमें क्या है मिस की, अगर हम कह रहे हैं कि किससे रिलेटेड है तो ये देखिए आपका हमें आया था कि हमने जो है एक न्यू जो है आपके जो गैलेक्सी को हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका देखा है हमने आकाश में देखा है कि उसके अंदर से 9.3 बिलियन जो है आपकी रेज रेजियो निकल रही है तो इतनी लाइट भी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसको हमें पता करना तो ये भी हमारा पता नहीं कि क्या नाम रखा हमने तो उस आकाश गंगा का जो हमने नाम रखा है वो है आपका ए वाई डी एफ एस जीरो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं कि इसकी काफी पॉसिबिलिटीज हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है आने की क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है राइट right? तो इसका नाम याद रखिएगा क्या है फिर आपकी भारत सरकार के द्वारा कितनी मोबाइल एप्स को ब्लॉक किया गया है तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और पेरेंट्स के लिए अगर मैं बता दूं तो ये बहुत अच्छी न्यूज है ये आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकिंग न्यूज तो ब्रेकिंग न्यूज के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो है जिसका हमारे काफी पेरेंट्स को जो है एक स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको काफी इंतजार था कि भाई हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं पबजी से तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आपकी आँ... अचीवमेंट क्या आप कह सकते हैं आपकी जो डिजायर थी वो पूरी हो गई है आपकी जो बच्चों से आप परेशान हो रहे थे कि पब्जी चलते हैं हमें ध्यान है कि पहले थोड़ा टाइम पहले जो है एक गेम था जो ब्लू ब्लूवेल जो गेम चला था उससे भी काफी हम लोग परेशान हो गए थे और काफी चला था कि एक स्टेज के आने के बाद में जो है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं वो सब कर लेते हैं तो ये जो था आपका पबजी इससे भी बच्चे पूरा दिन उसमें जो है एंगेज रहते थे तो काफी पेरेंट्स का था कि ऐसी एप्स को हटा देना चाहिए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वापस इस क्वेश्चन पे मैं आती हूँ तो अभी जो है गवर्नमेंट ने जो

जून 2020 को हमने उसकी सबसे पहले जो है आपकी 57 सेवन एप्स को हमने बैन किया था right? उसके बाद में उसके बाद फिर हमें वापस से जो है चाइना के साथ में हमारी जो सैनिकों की थोड़ी सी मुठभेड़ हुई थी फिर वापस से बंद हुई थी और उसके बाद में जो है अगेन जो है 47 सेवन ऐप्स को हमने बंद किया था तो देखिए तीन चीजें आपको जो ध्यान रखनी है कि टोटल अगर हम देखें कि अभी तक हमने जो ये जो हमारा पीरियड जो रहा है आपका कोरोना पीरियड जो रहा है उसमें टोटल हमने कितने एक्ट को हमने उनको बैंड किया है तो है आपकी 224, ट्वेंटी फोर राइट देखिए दो तीन चीज के अंदर आ रही है कि आपका क्वेश्चन जो है ये तो एक आपका क्वेश्चन आ ही रहा है लेकिन उसके साथ में आपका क्वेश्चन जो है ये दो तीन ढंग से बन के आ सकता है लाइक फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि अभी तक जो है चाइना की कितनी एप्स को इंडिया ने बैन किया है तो टोटल नंबर है टू राइट सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि फर्स्ट टाइम जो है हमने चाइना की कितनी एप्स को बैन किया था तो देट वॉस कब किया था 57? तो डेट थी उस दिन पंद्रह जून को राइट right? उसके बाद वापस हमने बैन किया था वो कितनी थी तो वो आपकी नेक्स्ट थी आपकी सेकंड उसके अंदर थी आपकी 47 राइट right? तो ये चीज आपको याद रखनी है सबसे पहले उसके अंदर हमने 57 को किया था फिर बाद में 47 को किया था उसके बाद में 118 को हमने जो है भाई एसेंटली हमने कल किया है तो अभी तक की जो है हमारी टोटल नंबर जो है वेरी गुड मॉर्निंग सुनील जी तो अभी तक जो है हमने टोटल जितने एप्स को बैन किया है वो है आपकी 2024 और पेरेंट्स के लिए बहुत खुशखबरी की आपके पबजी जो है वो इसके अंदर बंद कर दिया है एक्चुअली कल जो एप्स जो बंद की है इसके अंदर अधिकतर जो है आपके जो गेम जोन वाली जो है एप्स हैं लाइक आपकी पबजी है आपके लूडियो लूडो किंग है आपके चेस रेसर है और हाँ मुझे बताया चीजें कि आपके जितने भी इवन पेरेंट्स भी जब ये भी कोविड का जो टाइम चला था लॉकडाउन का टाइम चला रहा था घर में बैठते हैं सबके सब पूरी फैमिली लूडो किंग पे लगी हुई सा है और सबको इनवाइट कर रहे हैं तो ये भी जो है अब आपकी बैन हो गया राइट तो जितनी भी जो आपके गेमिंग जोन थी तो उसके अंदर काफी हो गया है उसके अंदर स्पेशल है जिसको बैन कर दिया गया है राइट चलिए नेक्स्ट उसके अंदर आते हैं आपका 221 वन्ट में पहली बार साइकिल शिखर सम्मेलन की कि मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है राइट तो ये अच्छा देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं और मैं आपको ये बताती जा रही हूं कि क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन से तीन तीन चार चार जरूर बन रहे हैं तो जब हम इतनी मेहनत करके आपके इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो आपका लाइक like करना बनता है तो प्लीज जिसने नहीं किया है अभी साथ साथ जो है आपके लाइक like करते जाइए और शेयर जरूर करिए क्योंकि अभी दो तीन महीने के बाद में बहुत सारे एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं तो जो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो फ्रेंड सर्कल है जो कहीं और रहते हैं ताकि उसका बेनिफिट जो है उन स्टूडेंट्स को मिल सके ठीक है आई होप सबली लाइक like कर दिया होगा और शेयर भी कर दीजिए राइट चलिए ठीक है फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 2021 में पहली बार साइकिल शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है राइट right? तो ये है आपके CFI जो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो इसकी डिटेल कल सर ने काफी अच्छे से बताई थी मैंने देखा था राइट right? तो ये क्या है हमें आ, सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूं तो CFI जो है आपके आ, ये जो अभी जो कोविड का पीरियड जो चल रहा है तो हमें जो है फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों की जो है वो आपकी बहुत प्रायोरिटी है और अभी काफी लोगों ने जो है काफी साइकिलिंग पे सब उतर कर आ गए हैं मतलब एक टाइम था जब साइकिलिंग का था लेकिन अभी वापस से वो क्रेज स्टार्ट हो गया है राइट तो इंडिया के अंदर जब ये होने वाली है तो पहली बार जो ये हो रही है तो ये सीएफआई जो है यहाँ पे ट्वेंटी के अंदर करने वाला है राइट चलिए कम टू द नेक्स्ट राइट आपके ईस्टर्न इकोनॉमिकल फोरम की पांचवी बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है तो यह है आपके रशिया के अंदर आप ये देखिए आपके ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या तो एक्चुअली क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है जो जो भी रशिया से की नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उनका एक इकोनमिक फॉरम मतलब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हमें नहीं पता होता है तो हमें एक नाम से आइडिया हो जाती है कि आप किससे कोलेट हो रही है वो राइट तो ये क्या है आपका एक इकोनॉमिक फोरम है इकोनॉमिक नाम आते ही हमें क्या मालूम पड़ता है कि इकोनॉमिक मतलब आपकी देश की अर्थव्यवस्था तो देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्या होगा ऑब्वियस भाई जब देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे हम तो देश देश की के ग्रोथ की बात की, की बात बात करेंगे करेंगे हम डेवलपमेंट तो ये है जो आपका इकोनॉमिक फोरम है वो है कि आपकी किस टाइप से आपकी रशिया के अंदर जो है आपके जो उसके जो संगठन के हैं उसको किस कैसे उनकी ग्रोथ की जाए कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए तो ये जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो पांचवी बैठक जो है वो आपकी रशिया में की जा रही है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक सेकेंड एक क्वेश्चन इसमें पीछे रह गया ये जो है आपका पहली बार साइकिल जो शिखर सम्मेलन है इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने जो स्टार्टिंग की थी तो आ, 1930 के दशक में हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो पर्सनालिटी या एक्टर भी हुए थे थे जिनका नाम था जानकी दास ये प्लीजे नाम याद रखिएगा तो ये जान की दहाजे थे तो वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो अगर इंडिया में कोई जो साइकिल पेंडिशन लेकर आए थे तो ये उनकी एक शुरुआत थी राइट तो ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि अगर कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसको फाउंडर कौन होता है या लेकर कौन होते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए कम टू द नेक्स्ट राइट यस yes, खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने बेकार बर्तनों के पुनः उपयोग के लिए वाराणसी में किस पहल का उद्घाटन किया है देखिए वापस से इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट होकर के दो तीन क्वेश्चन आपके साथ साथ बन रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बहुत डिटेल के अंदर ये न्यूज है देखिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं ये जो है आपके खादी व ग्राम उद्योग आयोग राइट तो ये हमारी जो मिनिस्ट्री है ये वाली खाद्य उद्योग की उन्होंने क्या किया है एक जो स्टार्ट किया है ये जो पहल की है वो भी याद रखिएगा कहां से पहल की है तो वाराणसी से स्टार्ट की है तो पहली पहल है वाराणसी से राइट किसके बारे में है तो ये है टेरोकोटा ग्राइंडर अभी देखिए टेरोकोटा ग्राइंडर है क्या कुछ चीज तो आपको थोड़ी सी से रिकलेक्ट हो रही होगी बेकार बर्तन के पुनः उपयोग जो हम बाबर जो कहते हैं आपका रीप्लान रीप्लान जो कहते हैं तो ये उसी से रिलेटेड है ठीक है इसको एक्चुअली इन्होंने क्या किया है ये जो है आपके मतलब हमारी जो खादी और जो उद्योग है उन्होंने इसको किया है कि आपकी जो एक नई शुरुआत की है कि कैसे भी हमारे जो है आपके पुराने जो हम लोग कहते हैं कि आपके बर्तन जो टूट जाते हैं या मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं तो या टेरोकोटा के जो बर्तन टूट जाते हैं तो उनको हम कैसे वापस से रीयूज करें तो उस रीयूज के लिए जो है एक पहल की गई है ताकि हम जो है हमारे जो रिन्यूबल उसको हम कर पाए ताकि और जो मिट्टी की जो हमें जो क्राइसिस रहती है कि कैसे हम एक अच्छी मिट्टी हम कहीं से लेकर के आए वेरी गुड मॉर्निंग सोनू G. तो ये सब जो है हम लोग उसके लिए स्टार्ट किया है राइट right? तो इसमें हैच है एक्चुअली क्या तो देखिए जितने भी जो आपके मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं या जो टेराकोटा के जो बर्तन टूट जाते हैं <coughs> तो इस प्लान में क्या किया गया इस पहल के अंदर उनको वापस से जो है री किया गया है उनको वापस से जो है मेल्ट करके एक फर्निशिंग करके उसके अंदर डाला गया है तो इससे क्या बनता है तो जितने भी जो हमारे जो डस्टबिन है या हम कह सकते हैं आपके प्लास्टिक के जो गमले हैं वो बनते हैं डस्टबिन बनते हैं और जो आपके ट्री गार्ड्स हैं वो बनते हैं तो ऐसे हमने क्या

और एक चीज लिखिए इसका नाम जो है डोंट बी कंफ्यूज क्योंकि कितनी बार एक्चुअली अभी तो से मैंने लिख दिया डे खादी वे ग्राम उद्योग जो है तो इसकी आपका शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे राइट right? तो ये KVIC ने बेकार बर्तनों को उपयोग के लिए वाराणसी में किस पहल का उद्घाटन किया है तो ये जो पहल है वो है आपकी री प्लान इसको ऐसे लिख लीजिए इट right? तो ये क्वेश्चन आपके इस नाम से भी आ सकता है कि रीप्लान जो है वो क्या है वो कौन सी पहल है वो वाराणसी से जो है केवीआईसी की कौन सी पहल है तो कौन सी पहल है रीप्लान पहल, है. पहल क्या है तो जो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रीयूज करने से है अब ये क्या है इसकी फुल वॉर्म करेंगे तो ये देखिए री तो ये हो गया आपका री राइट right? तो यह आप कह सकते हैं रिड्यूजिंग रिड्यूसिंग पी एल जो है आपका पी ये है आपका प्लास्टिक और यह है आपका एन जो है आपका इन नेचर तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन

हट रही है, मुझे पता है कि काफी कि काफी स्टूडेंट्स ने कहा था मैम हम हम देख नहीं नहीं पाते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं हैं लिख तो मैं आराम से आज बड़ा बड़ा भी लिख रही हूं ताकि आप आराम से उसको नोट डाउन कर लीजिए राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हांगकॉग में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में चीन की कौन सी नीति प्रणाली जो है फिर से चर्चा में आ गई है तो ये है आपकी एक देश दो प्रणाली राइट right? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चीन से जो है सबका चल रहा है और जो आपका और मकाऊ है तो वहां पे आ, उनका है क्विक रिव्यूज क्वेश्चन और काफी डिटेल्स के अंदर थे आई ट्रस्ट की आप लोगों ने सबको लिख लिया होगा फाइन चलिए नेक्स्ट कम टू द टूडेज हाईलाइट की आज के दिन जो है मतलब आपका फोर्थ के अंदर क्या स्पेशल न्यूजेज है तो ये है आपके first half india ranks among the top 50 countries in the innovation index achieved this rank तो ये हमारे लिए रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और चीज मैं आपको रैंकिंग के अंदर बता दूं कि आपके जो कंपटीशन एग्जाम का जो पैटर्न जो रहता है तो चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दे लिए हैं या आपका कुछ भी मेंस में भी इवन आप लिख रहे हैं तो उसमें भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अभी तो जैसे वैसे भी आपका कॉमन जो है सी एग्जाम हो गया है तो उसके अंदर रैंकिंग के क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है तो वेरी सुन जो है हम लोग जितने भी अभी तक की जितनी भी रैंकिंग जो हमारी है वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो ग्लोबलाइज जो हमने रैंकिंग जो हमने स्ट्रेंड कर रहे हैं उस रैंकिंग का पूरा एक स्पेशल आपका वीडियो हम दिखाएंगे कि कौन से एरिया के अंदर किस पर्टिकुलर उसमें हमारी क्या रैंकिंग थी और इसके अंदर जब रैंकिंग हम जो देखते हैं तो उसमें चीजें जो है आपको देखनी पड़ती लाइक वो जो इंडेक्स है या जो भी है उसको आपके पब्लिश कौन कर रहा है सेकंड टोटल जो मेंबर्स कंट्री है वो फिर इंडिया की रैंकिंग जो है उसमें वो क्या है और हमारा मोटो क्या है तो और उसका हेडक्वार्टर क्या है तो ये चार पांच चीजें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत जल्दी वेट करिए आपका रैंकिंग का सेशन हम लोग जरूर से लिखे आएंगे राइट तो अभी हम इस पर आ जाते हैं कि आपका इनोवेशन

फिर आप करते हैं डाटा महिंद्र नारायण मूर्ति बेस्ट ऑल द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवॉर्ड बाई दूडी फर्स्ट एडिशन नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड रशिया टू कंडक्ट द इंदिरा एक्सरसाइज ऑन द फोर टू फाइव सेप्टेम्बर बे ऑफ बंगाल इंडिया द बिमस्टेक मीट एंड ट्रिब्यूस है आपके इंग्लैंड तो दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको आई थिंक आपने जो चीज नोटिस की होगी कि आज क्या है तो या इन क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो क्या है तो देखिए आज जो का जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है तो जितनी भी जो स्कीम्स जो स्टार्ट की हैं चाहे हम जल से रिलेटेड है चाहे हम गंदगी से रिलेटेड है चाहे हम सेग्रीगेटर से रिलेटेड है, से है तो ये सारी स्कीम्स अगर आप देखेंगे अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे विचार करेंगे क्या है तो देखिए जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट जो स्कीम स्टार्ट करती हैं वो पर्टिकुलर आप एक सेक्शन के लिए नहीं करती हैं वो पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए नहीं करती हैं उनका जो मोटो रहता है वो होता है पूरा आपके मास को अट्रैक्ट करना राइट क्योंकि एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है तो उसके अंदर हमें ज्यादा से ऐसा नहीं सोचना अगर अगर तो तो चाहिए क्योंकि एक हम सकते, ये जन क्रांति है क्रांति है राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है फर्स्ट जो है हमारा है आपका रैंक्स अमंग द टॉप 50 कंट्रीज इन द इनोवेशन इंडेक्स अचीव दिस रैंक तो ये क्या है इसके अंदर एक्चुअली देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है कि देखिए ये आपने ग्राफ है, है years, the, the ये ये जो है हमने काफी बना रखा है कि जम्स फ्रॉम 52 टू टू फोर्टी एट ऑन द न्यू रैंकिंग रॉज इज थर्टी थ्री प्लेस इन द लास्ट फाइव ईयर्स रैंक्स इन द एट द टॉप ऑफ द हेड इन देंट्रल एंड साउथ एशिया द नेशन हैज बीन फर्दर कैटलाइज बाय द मोदी गवर्नमेंट प्री इनोवेशन इंडेक्स ये देखिए ये काफी मतलब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन उसी से जो है आपकी काफी डिटेल्स जो है इसमें नजर आ रही है पूरा ग्राफ जो देखिए हमारा ये दिखा रहे हैं आपका ये देखिए पूरा जो ग्राफ हमारा ओके ये देखिए पूरा ग्राफ जो हमारा दिखा रहा है कि कैसे हम लोग जो राइज करके आ गए हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हम लोगों ने पहली बार जो है जो इसके टोटल जो मेंबर्स हैं इसके 131 जो मेंबर्स हैं ग्लोबल इंडेक्स के तो उसके अंदर हम जो है आपके टॉप 50 के अंदर आ गए हैं तो दिस इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर एस तो काफी चीज है और इसका अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं तो इंडिया का जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे लाइक आपके टू के अंदर हम लोग एट्टी रैंक पे थे तो लेकिन 81 से 2016 के अंदर देखिए ये जो हमने जंप किया है ये बहुत और टाइम आएगा तो गुडो फॉर आवर कंट्री हम लोग, तो अच्छा तो, कि लोग ने कितने बड़े उसके अंदर आए हैं <coughs> चलिए इसका समझाते हैं एक्चुअली है क्या ये देखिए नाम से अपने मालूम कि आपका जो है ग्लोबल इंडेक्स है राइट इनोवेशन इंडेक्स जो है या जिसको हम इसको जी आई -E भी बोलते हैं जी आई आई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अब ये है क्या ये <coughs> तो देखिए ये क्या है कि आपके जितने भी जो ग्लोबली जो हम इंडेक्स में करते हैं कि ये है कि आपके सेक्टर के अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ हो कैसे उसका डेवलपमेंट हो तो उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या हम नवाचार कर सकते हैं क्या हम इनोवेटिव आइडियाज कर सकते हैं वो जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आपके किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं लाइक वो आपके एजुकेशन में हो सकते हैं वो आपके हेल्थ में हो सकते हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकते हैं वो आपके बिल्डिंग में हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जो हम नवाचार करते हैं कुछ इनोवेटिव करते हैं कुछ नई चीज

इंडिया की जो पोजीशन है वो आपकी 131 वन अंदर बताई थी आपकी 48 एट रैंक है ये भी आपको है कि इस साल इसकी 48 है तो लास्ट ईयर कितनी थी तो तो लास्ट ईयर थी इसकी 52 तो ये भी अपना बहुत जरूरी है कि हमने कितने का जंप किया है राइट right? तो 52 से हम लोग डायरेक्ट 48 के ऊपर आए चाइना की जो है वो आपकी फोर्टीन है राइट right? तो ये इसका अबाउट क्वेश्चन और आई थिंक आप इसको लिख लेंगे चले मैं लिख देती हूँ इसका जो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि, जी जीआई जो है आपको कौन इस, उसको बनाता है कितने मेंबर्स हैं रैंकिंग का है चलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फटाफट टोटल मेंबर्स कंपनी है इसकी या इंडिया का ही डायरेक्ट लिख देती हूं मैं इंडिया स्टैंडी एट वन थर्टी थ्री वन कंट्रीज राइट और टॉप के अंदर आ रही है इसकी टॉप रैंकिंग में फर्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सेकेंड है आपका स्वीडन थर्ड है आपका अमेरिका फोर्थ है आपका ब्रिटेन और फिफ्थ है आपका नीदरलैंड राइट right? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट काफी है फिर इसके अंदर है कि आपका चाइना कितना है तो दिस अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स राइट आई थिंक इसके पांच छह क्वेश्चन हैं जो इसके बन गए हैं वापस ही फटाफट रिवाइस करवा देती हूं मैं किसके लिए है तो इनोवेशन के लिए है इनोवेशन किस में है तो आपके हर सेक्टर में है वेदर इट इज एजुकेशन हेल्थ टेक्नोलॉजी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसी में भी उससे क्या होगा कि आपके देश का आर्थिक विकास होगा आर्थिक विकास, हो, विकास होगा तो आपकी ग्रोथ होगी तो आपका विकास होगा इससे रिलेटेड है इंडिया की रैंकिंग क्या है तो फर्स्ट टाइम जो इंडिया है वो आपकी टॉप फिफ्टीज के अंदर आगे लगाई है स्टार्टिंग में इसकी रैंकिंग क्या थी तो आपके ये एटी पे था एटी से लास्ट क्या थी तो आपकी फिफ्टी से ये फोर्टी पर आया है टॉप रैंकिंग में कौन से है तो टॉप में इसके जो है आपके आपके स्विट्जरलैंड है फिर आपके स्वीडन है फिर आप अमेरिका ब्रिटेन और आपका नीदरलैंड

मध्य प्रदेश ही नहीं वो भारत को भी छोड़ना है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जो है इनके एक पैरामीटर्स डिवाइड किए हैं कि लाइक उनको क्या क्या करना है और उन्होंने इसको एक पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं जोड़ा है उन्होंने कहा कि एक जन क्रांति है एक पूरे एक मास को इसके अंदर आ जो है भाग्य लेना है उसमें पार्टिसिपेट करना है और इसके लिए कई लोगों ने जो है बड़े बड़े लोगों ने मतलब शपथ ली है मतलब आप जो ये शपथ हो ये जो मैं कह रही हूं ये लैक्स के अंदर लोग हैं सारे मतलब नियर अबाउट जो है ट्वेंटी टू थर्टी लैक्स लोग जो है जिन्होंने अलग अलग जो है अपने आ, इसको ज्वाइन किया है लाइक आपके कुछ लोग जो हैं दो से तीन लाख जो है उन्होंने शपथ लिया कि हम लोग जो है गंदगी को हटाने में पूर्ण तरह भाग लेंगे कुछ आ, में है कि आपके जैसे हम जो कचरा वगैरह जो हम करते हैं तो कैसे जो है हम घर का जो कचरा आता है हमको कैसे उसको आ, अलग अलग करें उसको कैसे हम डिवाइड करें कैसे हम उस जो है उसको वापस से रीयूज करें तो वो भी उस चीज के अंदर है फिर हम जो कचरे जो होते हैं हम कैसे उसको हटाएं उसका किस तरह से कम किया जाए फिर जो आपके घर के अंदर से जो हम निकालते हैं जैसे हम कहते हैं आपकी जो तीन जो, जो बॉक्सेस आपके जब बनाते हैं आपका गीला कचरा सूखा कचरा और जो दूसरे हैं तो कैसे हम उनको अलग अलग करें और फिर कैसे हम जो है उनका डिस्पोजल करें तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर प्लान की गई है और उसके अंदर ये भी है कि आपके स्टार्टिंग जो है आपके मतलब ये जो प्लानिंग जो स्टार्ट की है तो उसके अंदर जो है आपके रैंकिंग जो है वो आपके वहां पे जो टाउन के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको रैंक दिया जाएगा और फिर बाद में जो उनको सीएम से जो अवार्ड भी दिया जाएगा राइट तो काफी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इससे आपको समझ में आ गया होगा कि गंदगी से रिलेटेड है गंदगी से मतलब आपके कूड़ा कचरा गीला कचरा सूखा कचरा वो सारी चीजें इसके अंदर आ रही है राइट और फिर ये कि आपको कैसे हम कचरों को भी जो हम यूज करते हैं कैसे उनको अलग करना है तो ये आपकी उसके बारे में था चलिए नेक्स्ट उसके पर आते ये है आपके यूनाइटेड पावर मिनिस्टर आर के सिंह लॉन्चेस ग्रीन टर्म टर्मर हेट द मार्केट जीटीएम जीटीएम से नाम बल हो रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम कैसे रीयूज करें और ग्रीनरी के हम उसके लिए क्या आपके एक हरित जो रिन्यूएबल रिसोर्स से हम कैसे जो है एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं ये उसके बारे में क्वेश्चन है राइट right? नेक्स्ट है आपका जल संसाधन मंत्रालय ने जल नायक नायको प्रतियोगिता का शुभारंभ किया देखिए बहुत ही हटके एक आ, स्टार्ट हुआ है और हम कह सकते हैं कि इस तरह की एक पहली स्कीम है जो कि जल से रिलेटेड है तो देखिए इसमें है क्या एक्चुअली दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की है तो जल मंत्रालय ने स्टार्ट की है क्या है इस मिनिस्ट्री के अंदर तो ये है कि हम जल का क्योंकि जल जो है हमारा एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक प्रिशियस हमारा वो है एक बहुत ही वेशमती जो है सोर्स है तो हमें उसका संरक्षण कैसा करना है तो ये अलग तरह की पहल है इसमें क्या किया गया है कि जो इसके पैरामीटर्स जो किए गए हैं कि आप आपको जो है आपके मतलब कुछ लोगों को इसके अंदर एंट्रीज जो है डेली इनवाइट की जाएगी कि संरक्षण कर रहे हैं तो कुछ है, है मतलब है, है मैंने, मैंने कुछ नया इनोवेटिव कुछ किया है तो उसका आप जो है फोर टू फाइव मिनट्स का वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी योगेंद्र जी रिंकू जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और प्लीज जिन्होंने लगाई अपना पी जरूर लगा दीजिएगा विद आपका स्टेट की आप कहां से हैं और अभी तक जो है जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक और करिए और प्लीज शेयर भी करिए क्योंकि बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो सारी आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं तो आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको भी इससे बेनिफिट हो सके राइट तो प्लीज फटाफट लाइक और शेयर आई थिंक सबने कर दिया जिन्होंने नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए चलिए

डालनी है तो उसके बाद जो है फिर आपके उनको जो है, एंट्रीज जो है सर्टिफिकेट यस तो ठीक yes, तो है अगर हो ये तो प्लीज फटाफट जो है अपनी एंट्रीज उसमें डाल दीजिए और नहीं डाली है तो कुछ सोचिए कि आप जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं और करने के बाद आपका वीडियो बनाइए कि आप उसको कैसे कर रहे हैं उसको लिखिए और अपलोड कर दीजिए राइट चलिए तो नेक्स्ट आप किस पर आते हैं और हाँ इसमें एक और चीज आपको याद रखिएगा कि ये जो मिनिस्टर है आपके जल शक्ति जो मंत्रालय है तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो आपके रतनलाल लाल कजारा जी राइट

नो no डाउट हमें देने भी चाहिए क्योंकि एक जो कोविड नाइन्टीन का जो पीरियड था उसके अंदर जब हम लोग सब जो है लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हुए हैं अपने इतना अपने को ध्यान रखें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं कि नहीं हमारे इम्यून स्ट्रांग हो जाए तो देखिए आपके जो ये जो कचरा जो उठाते हैं ये लोग वो लोग आपके कचरे को उठा रहे हैं तो क्या वो लोग बीमार नहीं होंगे तो देखिए ये उन्हीं के लिए है कि मतलब एक बहुत अच्छा है कि हम और अभी जैसे काफी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी आपके होटल लाइन या काफी तो उनका जो कचरा है वो भी कम हो रहा था तो ये जो है गाजियाबाद से स्टार्ट की है और ये जो है आपके उस निकाय के जो आयुक्त हैं वो है आपके महेंद्र सिंह जी तंवर तो ये जो आपको देख रहे हैं तो महेंद्र सिंह जी ने ये गाजियाबाद से स्टार्ट किया है तो उन्होंने क्या किया है कि जो आपकी जो सेरिगेटर्स जो हैं उनको एक नया स्टेटस दिया है कि वो हैं और क्या है उसके अंदर एक्चुअली तो जितना भी जो आपके जो कचरा उठाने वाले लोग हैं उनकी आजीविका को ऊपर उठाने के लिए कि अभी जो है जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो गई है क्योंकि इतना ज्यादा जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इतना कचरा नहीं हो रहा दूसरी चीज नहीं हो रही है तो कैसे उन लोगों की आजीविका को ऊपर उठाया जाए तो उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया है अब क्या उसमें किया है <coughs> तो देखिए जैसे भी जो कचरा वगैरह उठाते हैं तो उसको भी अभी जो स्टार्टिंग की गई है वो दो आपके जोन से स्टार्ट की है मतलब सब स्टार्ट की है, दो से की है और क्या है किसी और में कर सकते हैं और जैसे आपका जो गीला कचरा है उसको हम कैसे जो आपके जैविक खाद के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस टाइप से क्या होगा कि आपकी जो है आप कुछ हमारा कुछ इनोवेशन भी होगा हम कुछ रीयूज भी कर पाएंगे जैसे भी हमने देखा आपका जो खादी वाला जो था खाद्य ग्रामोद्योग उसके अंदर भी जो है हमने रीयूज कर रहे थे हम लोग जो जो थे तो यहाँ पे भी क्या है जो हमारा जो कचरा है उसको हम जो है रीयूज करेंगे और उन लोगों को जो है आपके जो उठा रहे हैं जो कचरा उठा रहे हैं उसको इनसे जो है आपका नया कुछ बिजनेस मिलेगा उनकी आजीविका के लिए इनकम के सोर्स भी होंगे और दूसरा मेन बात जो हमने जो टारगेट किया है वो आपके टेन थाउजेंड लोगों को इसके अंदर टारगेट किया है कि इतने लोगों को जो है हम उसके अंदर करेंगे और बाद में जो है इन लोगों को अवार्ड भी दिया जाएगा मीन क्योंकि इतना बड़ा वो लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट चलिए तो ये इनका हो गया गाजियाबाद से आपके महेंद्र सिंह जी तवर राइट चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ये हैं आपके रतन टाटा जी आनंद महिंद्रा जी एंड नारायण मूर्ति जी द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ठीक है ये आपका डब्ल्यू टी ए फर्स्ट एडिशन मीन्स आपका जो वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड जो है उसका ये फर्स्ट एडिशन है अब देखिए ये फर्स्ट एडिशन है क्या तो ये भी देखिए आपके वैसे आज की जितने भी स्कीम्स हैं तो ये हमारा जो भी कोविड का जो पीरियड चल रहा था ये उसी से सारे रिलेटेड आ रही हैं और उसी के अंदर जैसे अभी हमने देखा जो सैरिगेटर्स हैं उनको जो गार्बेज जो पिकर्स हैं उनको हम ऊपर उठा करके लेके आ रहे हैं तो ऐसे हमने क्या किया बहुत सारे लोगों ने जो है हमारे समाज सेवा के अंदर कुछ ना कुछ योगदान दिया है तो उन महान जो नाविक हैं उनको हम आगे जो है अवार्ड कर रहे हैं तो उसी के अंदर जो है ये सारे आते हैं जैसे आपके टाटा जो है वो हैं आपके काफी लोग जैसे इसमें जो तीन

ने भी जो है समाज सेवा के अंदर काफी अच्छा किया है फिर एक दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी काफी मिला है क्योंकि लोगों की जो मेंटल जो कंडीशन होती है इस टाइम पे काफी लोगों की खराब हुई थी कि हमारा बिजनेस खराब हो गया है बहुत डिप्रेशन में चले गए थे कि हम कैसे आगे उसको अपने को आगे लाएंगे तो ऐसे टाइम पे एक साइकोटिस्ट का एक साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है तो उसके अंदर उनको अवार्ड मिला है फिर विकास सूद जो है उनको भी विकास खन्ना को मिला था फिर आपके दूसरे जो हैं जैसे देखिए अब आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा अगर अगर मैं ये कह रही हूं कि हम कुछ ना कुछ अवार्ड दे रहे हैं कोविड से रिलेटेड दे रहे हैं तो अगर आपको नए ये नाम याद नहीं आएगा तो आपको देखिए आप थोड़ा सा एक रिकैप कीजिए अपने माइंड को रिफ्रेश करिए तो हमारे इस कोविड के टाइम में किस, -किस ने आपकी हेल्प की थी चलो सोचिए किस, किस ने आपकी हेल्प की है स्विगी yes, ने आपकी हेल्प की है आपके फोन पे ने आपकी हेल्प की है आपको जो टीवी जो मीडिया है उन्होंने आपकी हेल्प की है तो ये सारे भी जिन्होंने कोविड के टाइम पे पूरी हमारी हेल्प की है किसी ना किसी वे में की है तो उन सबको जो है वर्ष जिस्ट अवार्ड दिया जा रहा है राइट तो आई थिंक इस थोड़ी सी हिंट से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस किस को दिया जा रहा है तो इस टाइम पे जब नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि डब्ल्यू के अंदर अगर ऐसे आते हैं कि पांच छह के नाम अगर इनमें से किसको मिला है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ

आईआरसी लेटर है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं प्लीज लिख लीजिए आप लोग या डाउनलोड लिख नोट डाउन कर लीजिए आपके यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो जो कि आप इवन आपके जो मेंस भी लिखने वाले हैं तो उसमें आपके आई आर से आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का है और आपका मेंस का क्वेश्चन भी है मिस आपका मेंस के लिए भी है और आपका पीटी के लिए भी है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी डिटेल डे टू डे जो भी आते हैं बताते जाएंगे थोड़ा सा जो भी इसके अंदर है वो ये है कि आपकी जो नवल एक्सरसाइज जो है वो आपके इंडिया और रशिया के बीच में स्टार्ट की है तो कहां से स्टार्ट की है क्यों स्टार्ट की है तो हमारी एक जो है आपकी जो सिक्योरिटी परपज से चल रहा है कि चाइना किस टाइप से हमारा करने वाला है तो सब जो है आपके थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं तो उस पैटर्न को लेकर हम हैं उसके मध्य नजर रखते हुए ये जो नवल की जा रही है राइट और आ, कहाँ पे है इसका हाँ, तो ये राधिकोत्सव जो है मतलब वहां पे होने वाली थी ये पार्टी वोत्सव जो है वहां पे होने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से वहां पे पेस्टक में नहीं हुई थी और एक और चीज जो है आपके श्रीलंका के अंदर इसका वो रहेगा मिस आपका जो हम पता है कि हबन टोटा पोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम से ये सुर्खियों में है कि हबनपोटा जो पोर्ट जो है वो आपके कहाँ पे है तो वहां पे बताया है कि हवनपोटा पोर्ट जो आपके श्रीलंका के अंदर है उसको चाइना ने जो है आपके मतलब नाइन्टी नाइन तक के लिए उसने लीज पे लिया था तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है राइट तो ये एक जो है नवल एक्सरसाइज आपकी चल रही है फिर आपका है आ रहा है ये आपको इंडियन स्टैंड द मीट तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है राइट तो यूपीएससी का मेंस का भी है और बिम्स्टेक पे क्वेश्चन या जो जो पहले हमारा एक नाम था, सार्क नाम था था तो उस पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं राइट अब थोड़ा सा इसके पीछे हम हिस्ट्री में जाते हैं एग्जैक्टली ये क्या था मीन्स आपका जो पहले सार्क क्या था सार्क का नाम चेंज करके क्यों हमने बिम्स्टेक का नाम किया बिम्स्टेक को हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं जैसे पहले जो था

ले सकते हैं राइट पर थोड़ा सा इसका शॉर्ट में आपको बताती हूं मैं देखिए हमारा जो हमको पता है कि आपका सार्क जो था पहले जो जो मेंबर कंट्री थी तो साक जो है अभी आपको ध्यान होगा आपने क्योंकि उरी पिक्चर काफी लोगों की हिट में भी थी काफी लोगों ने अच्छी लगी थी सबको तो वो जो आपके 2016 में जो उरी का जो आक्रमण हुआ था पाकिस्तान से तो उसके बाद जो है हमने सार्क में इस्लामाबाद के अंदर जो सार्क का जो हमारी होने वाली थी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो उस पर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था और हमारे जितने भी जो मेंबर्स वो थे सार्क के उन्होंने भी मना कर दिया था साक के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साक का जो हेडक्वार्टर है

फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल कॉपोरेशन राइट देखिए बी आई तो यह आपका बे ऑफ बेंगाल आई फॉर इनिशिएटिव राइट आई फॉर आपका इनिशिएटिव फिर आपका एम जो है ये है आपका मल्टी सेक्टोरल एम एस फॉर द मल्टी सेक्टरल टी फॉर द टेक्निकल एंड द ई फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन तो हम कैसे समझ रहे हैं कि हम कैसे इकोनॉमिकली जो है हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं वो भी आपको इसी से आइडिया लग रहा होगा मेंबर्स कंट्री क्या है तो बी फॉर आपका बांग्लादेश आई फॉर इंडिया एम फॉर म्यांमार एस फॉर श्रीलंका टी फॉर थाईलैंड और ई सी जो है आपका भूटान और नेपाल लिखू मैं लिख देती हूँ मैं चलिए लिख ये आपका हो गया अच्छा ये रे <laughs> तो कहीं मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है और आपको देखिए देखिए बांग्लादेश श्रीलंका इंडिया नेपाल भूटान थाईलैंड म्यांमार राइट तो ये है आपके बिमस्टेक का ये तो ये इसके बारे में कि किसके बारे में है तो हमारी जो आगे जो हम लोग करने वाले हैं नवर एक्सरसाइज और ये सब जो करें तो बिमस्टेक उसके बारे में एक जो है बना रही है कि हम लोग कैसे हमें अपने आप की आंतरिक सुरक्षा एक दूसरे देशों की करनी है राइट तो ये बिम्स्टेक के बारे में नेक्स्ट अपने आते हैं ये है आपके फॉर्मर इंग्लैंड जो ऑलराउंडर डेविड चैपल जो है उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 57 तो ये हमेशा लास्ट में जो हम ट्रिब्यूट में जो करते हैं उसके अंदर आ गया कि आपको क्या करना है कि आपको कौन से थे और किस से रिलेटेड थे राइट तो ये इनके बारे में चलिए फटाफट से एक रिकेप कर लेते क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके एक एक क्वेश्चन के अंदर से बहुत सारे आपके निकल के आ रहे थे तो एक वापस एक क्विक रिव्यू बनता है क्योंकि कल ये क्विक रिव्यू आपके दूसरे क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा राइट तो बिमस्टेक बिमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें याद रखनी है क्या याद रखनी है तो सबसे पहले तो याद नहीं है कि आपके साथ जो है साथ को हम ट्रांसफर आपके कर रहे हैं बिमस्टेक क्या है आपकी कितनी कंट्रीज इसके अंदर है इसका हेडक्वार्टर कहां है और अभी जो ये अभी जो उसकी जो उसकी पांचवी हम बैठक कर रहे हैं उसके होस्ट कौन कर रहे हैं तो श्रीलंका इसको होस्ट कर रहा है क्या कर रहे हैं एक्चुअली इसमें होता क्या है इसकी जो सदस्यता की अब इसकी होस्टिंग जो होती है तो वो क्या होती है वो आपकी राउंड जो है आपकी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली जो है आपकी रैंडमली आपके चेंज होती रहती है राइट तो ये बिमस्टेक उसके बारे में है इसकी मेंबर्स जो कंट्री उनके बारे में आप

में जो पुतिन जो है प्रेसिडेंट जो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था लेकिन अभी कोरोना के पीरियड के अंदर ये वहां पे नहीं हुई थी तो अब ये जो है है हो रही है। किस लिए हो रही है तो आपकी सिक्योरिटी पर्पज से ये नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है राइट और इसका अभी जो है आपके श्रीलंका के अंदर जो है इसका वो अभी रहेंगे आपके जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका जो कि हिमन टोटा पोर्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जिसको नाइनटी नाइन के लिए चाइना ने जो है पुलिस प्लेयर कर राइट नेक्स्ट है आपका ये थे आपकी टाटा रतन ये नेशनल वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड तो वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड क्या था कि अभी कोविड नाइन्टीन के पीरियड के अंदर जितने भी लोगों ने हमारी समाज सेवा की है देश की सेवा की है किसी भी रूप में आगे आगे की है तो उसके लिए उन लोगों को जो है वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड या आ, लाइफ टाइम अचीव अवार्ड दिया गया है तो उसके अंदर मेन जो है ये तीन है आपके जो टाटा से हैं इन्फोसिस से हैं और आपके महिंदा से हैं इन तीनों को दिया गया है उसके अलावा बहुत क्षेत्रों के अंदर भी जो है पुरस्कार दिए गए हैं जैसे आपके स्विगी है आपका फोन पे है आपके बहुत सारी जो है आपको जिन्होंने मतलब आपकी ऑनलाइन जो हमने डिजिटल जो उन्होंने हमारी इस कोरोना के पीरियड के अंदर हम लोगों की जब सेवा की है तो उन लोगों को ये अपॉइंटमेंट दिए गए हैं फिर आपके था ये आपके पिकर्स के लिए है सैरगेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी गाजियाबाद से स्टार्ट की है तो किन्हों ने स्टार्ट की है तो आपकी ये महेंद्र सिंह तोवर जो है आपके जो निकाय आयुक्त हैं उन्होंने स्टार्ट की है किसके लिए स्टार्ट की है तो आपके कोविड नाइन्टीन के पीरियड के अंदर जो अभी जो हमारे जो कचरा उठाने वाले हैं उनकी आजीविका को कैसे ऊपर उठाया जाए वो कैसे उनको इकोनॉमिकली जो साउंड किया जाए तो उन लोगों के लिए स्टार्ट की है तो इसके अंदर जो भी टारगेट है कि वो आपकी दस जो है उनके सैरिकेटर्स को उनका नाम दिया जाएगा उनको स्टेटस दिया जाएगा और उनको जो है अलग अलग जो एक काम जो किया गया है कि मिस आपके किस तरह से आपके जो गूल गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उनको कैसे अलग किया जाएगा क्या बनाया जाएगा ताकि उसका रियूज भी हो जाएगा और कुछ एक इनोवेशन भी हो जाएगा प्लस इन लोगों को काम भी मिल जाएगा तो किसके लिए है स्पेशली याद रखेगा जो जो कूड़ा कचरा जो उठाते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए स्कीम है राइट right? नेक्स्ट है आपके वॉटर हीरोज हीरोज आपके हीरो बन रहे हैं आप तो हीरो आप किस में बन रहे बनेंगे कुछ आप इनोवेटिव करेंगे तो ही आप हीरो बनेंगे राइट तो ये जो स्कीम है वो इसीलिए है कि हम कैसे जो है हम जल का संरक्षण कर सकते हैं तो जल का संरक्षण अगर आप कर, अगर कुछ किसी इनोवेटिव ढंग से आप कर सकते हैं तो आप अपना एक वीडियो जो है चार से पांच मिनट का वीडियो आप अपलोड बना बना सकते हैं फिर उसमें आपने कैसे किया क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी तो उस स्ट्रेटेजी को आपको थ्री हंड्रेड के अंदर लिखना है उसके बाद में आपका जो है उसकी जो रिलेटेड जो इमेजेस है

जीटीएम ये जो है आपके रिन्यूबल उससे है कि कैसे हम जो है ग्रीन उससे हम एनर्जी को हम आ, कर सकते हैं फिर आपके है ये गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है और इनका ये है कि कैसे जो है हम आपके गंदगी को हम मध्य प्रदेश से नहीं हमें भारत से भी उस गंदगी को हटाना है तो उसके उन्होंने उनके पैरामीटर्स रखे हैं बहुत सारे पैरामीटर्स रखे हैं लाइक आपके क्लीनलीनेस रखा है कि आपकी कैसे सफाई है फिर उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि, कि जैसे आपके कैसे जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको मतलब जो फ्री में जो दे रहे हैं उनको मास्क हमें प्रोवाइड करवाना है फिर कोविड नाइन्टीन के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसके अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है तो बहुत सारे पैरामीटर्स उसके अंदर काउंट के हैं कि कैसे भी करके हमें गंदगी को हटाना है लेकिन गंदगी को हटाने के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान ध्यान रखना रखना है है अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग होते भी भी को हटाना और जल क्रांति मतलब जन की क्रांति बोली गई है कि ये आप सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं है पूरे देश के लिए हमें बीमारियों से लड़ना है और उन बीमारियों से लड़के हमें देश को एक स्वच्छता की ओर जो कैंपेन है चल रहा था लेकिन अभी इसके अंदर न्यू जो फीचर आया है इसलिए एड हुआ है क्योंकि उसके अंदर डे बाय डे जो है कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं तो ये आपकी स्कीम आपके एमपी से रिलेटेड राइट फिर आपके थे ये आपके इंडिया रैंक 50 कंट्रीज की फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मान ली बहुत बड़ी बात है कि आपके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया टॉप 50 के अंदर आ गया है लास्ट जो था वो आपके फिफ्टी टू अब ऊपर आकर के 48 पे हो गया है हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी मतलब तो टोटल इसके अंदर वन थर्टी वन कंट्रीज है उसके अंदर से हमारी अभी जो रैंकिंग है वो फोर्टी के अंदर है टॉप फाइव के अंदर जो है आपके स्विटरलैंड आपके स्वीडन अमेरिका ब्रिटेन और नीदरलैंड है नीदरलैंड जो है वो आपके पहले स्टार्टिंग में था लेकिन अभी वो नीचे उतर के नीचे पायदान पे पांचवें पायदान पर आ गया है चाइना जो है वो आपके फोर्टीन नंबर पर आ गया है नाम से

भी जंप करके हम टॉप 20 के अंदर आ जाएंगे राइट तो उसी आशा के साथ में ये आपका ग्लोब इंडेक्स था फिर एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लीजिए क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन से जॉब के लिए आए थे और नई स्कीम्स भी थी राइट तो ये जो आपका था ट right. ये था आपका हांगकांग के अंदर लगा था जो विरोध प्रदर्शन था तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एक देश दो प्रणाली जो है आपकी चीन की प्रणाली उस पर काफी विरोध जो चल रहा है जो लोग कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए बहुत बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फर्स्ट टाइम जो है जिन्होंने जो स्टार्ट की है ये वाराणसी से स्टार्ट की है किसके लिए की है तो आपके टेरिकोटा ग्राइंडर के अंदर की है किस नाम से की है ये पहल तो आपके री नाम से की है रीप्लान आपका क्या है तो रीप्लान क्या है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर राइट तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो क्या है आपको कैसे हम उसको रिड्यूज करके कि हम उसमें कन्वर्ट उसको कन्वर्ट करते हैं उसका 트리गार्ड बना रहे हैं गमले बना रहे हैं डस्टबिन बना रहे हैं राइट फिर आप केस के अंदर था आपकी ईस्टर्न इकोनॉमिकल फॉरम जो था ईस्टर्न इकोनॉमिकल फोरम जो आपके रशिया से रिलेटेड है तो क्या है तो आपकी जितनी भी जो इसमें है उनकी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए उसके रिलेटेड है ये फिर आपके था ये सीएसटीओ के समझे सी एस टी आपके जो है आपके सामूहिक सुरक्षा सामूहिक में आपके कलेक्ट्रल आपके सिक्योरिटी से रिलेटे तो कलेक्ट्रल सिक्योरिटी कौन सी कंट्रीज की है तो आपके रशिया काजिकिस्तान ताजिकिस्तान तो ये वाली जो कंट्रीज हैं उन सबकी जो है आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उनको एक फॉर्म बनाया उन्होंने फिर था आपका भारतीय खगोली ब्रह्मांड में सबसे दूर का था क्या तो ये काफी इंपॉर्टेंट उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कहा कि अभी नाइन बिलियन जो हमने उसका पता लगाया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे इंडिया के लिए है और ये क्वेश्चन जहां मुझे लगता है ये हर एग्जाम में पक्का आना चाहिए क्योंकि इस टाइप का अचीवमेंट बहुत सालों बाद हमें इंडिया को कुछ मिला राइट तो उसका नाम याद रखिएगा एवाई डी एफ एस जीरो मोबाइल एप्स को ब्लॉक किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी कोविड नाइन्टीन पीरियड में हमने जो चाइना के साथ में बहुत सारी चीजें जो हमने उसमें कर, कर दी है तो सबसे अभी टोटल हमने कितनी जो है इसकी एंट्रीज को मतलब एप्स को बैन बा, किया है तो आपकी टू है पहली बार हमने कितनी बैन की थी तो आपकी थी फिफ्टी राइट right, कब की थी तो पंद्रह जून को की थी उसके बाद हमने कितनी की थी तो 47 की थी और अभी कितनी की है तो 118 तो मतलब 57 47 118 सेवन एक राइट तो इस रैंकिंग के अंदर हमने जो काउंटिंग के अंदर हमने जो उसकी एप्स को हम धीरे धीरे जो है आ, करते जा रहे हैं और अभी जो कल कीजी थी एक उसके अंदर जितनी भी जो आपके गेम जोन वाली जो वीडियोज है उनको किया है जिसके अंदर आपका पब्जी है आपके लूडो गेम है आपके रेस है सारी कुछ है चेस्ट रेस राइट तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट फिर आपके था दो पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबान किसने के द्वारा की जा रही है तो आपके जो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर जो नाम याद रखना है कि आपके जो नाइनटीन के अंदर जो काफी हमारे जो फेमस जो थे आपके जानकित जी उन्होंने इसको स्टार्ट किया था राइट फिर आपके कहा कि देश का 23-24 के अंदर हमें कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसको आगे लाना है क्योंकि कोल जो है हमारी हम कह सकते हैं कि आपकी कोर इंडस्ट्रीज के अंदर आता है जो मैं आपको बताया था कि कोर इंडस्ट्री ज्यादा की इंडस्ट्रीज ऑफ द एनी इकनॉमी तो उसका हम कैसे हम उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करें कि हम आने वाले टाइम के अंदर जो है कोल का प्रोडक्शन जो है यहीं करने लग जाए और आत्मनिर्भरता जो है हमारी दूसरों पर कम हो जाए राइट नेक्स्ट उसके अंदर था आपके हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है आपके उसके नए सीएमडी जो बने हैं वो है आपके हेमंत खत्री जी और इसका जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपके विशाखापट्टनम है राइट फिर एनपीसी uh, में बी शब्द का अर्थ क्या है तो आपके बिल्डिंग तो ये थे आज आपके क्विक रिव्यूज प्लस क्वेश्चन आई ट्रस्ट आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपने अच्छे से उनको नोट no डाउन भी कर लिया होगा और आपने सबको लाइक like भी कर लिया होगा चलिए कल सेम टाइम पे मिलते हैं चलिए ओके